नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह गर्तनीबाग पे धरना पर बैठने का परमिशन दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कॉल जाने के बाद पटना डीएम ने यह अनुमति दी है। पटना इको पार्क में धरना दे रहे शिक्षक अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे तेजस्वी ने यह भी कहा था कि अगर सरकार इन कैंडिडेट्स को प्रदर्शन करने नहीं देती है तो मजबूर उन्हें इस ठंड में इको पार्क में बैठना पड़ेगा और वो भी इस आंदोलन में शामिल हो जाएंगे। पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह की ओर से गर्दनीबाग में धरना पर बैठने का परमिशन मिलने के बाद तेजस्वी यादव शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ पैदल ही गर्दनीबाग धरना स्थल निकल गए। तेजस्वी के साथ साथ उनके पीछे पीछे हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी भी चल रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों को पूरी करने की अपील राज्य सरकार से कर रहे हैं। दरअसल शिक्षक बहाली में देरी के खिलाफ राज्यभर के अभ्यर्थी आंदोलन पर हैं। उन्होंने पटना के गर्दनीबाग में धरना देना शुरू किया था, लेकिन मंगलवार की शाम पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। आज यानी बुधवार को अभ्यर्थी फिर से गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे, पर फिर एक बार पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। पुलिस ने बचकर भागे सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थी पटना के इको पार्क पहुंच गए। इसके बाद इन्होंने अपने साथ हुए वाक्य की खबर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को की। शिक्षक अभ्यर्थियों के इको पार्क में पहुंचने की खबर मिलने के बाद तेजस्वी यादव वहां पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारियों को संबोधित करना शुरू कर दिया। तेजस्वी ने राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार मिला है, लेकिन नीतीश सरकार लाठी गोली चलवा रही है। तेजस्वी ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों और नियोजित शिक्षकों को इसका दंड भी दिया जा रहा है कि उन लोगों ने RJD को वोट दिया था। शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच ही तेजस्वी यादव ने सूबे के मुख्य सचिव दीपक कुमार को फोन लगाया। लाउडस्पीकर ऑन था और तेजस्वी मुख्य सचिव से बात कर रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना किसी का भी अधिकार है, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी गोली चलाई जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्य सचिव को कहा कि या तो आंदोलनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने की इजाज़त दी जाए, वरना वे भी इको पार्क में बैठ जाएंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच से ही तेजस्वी ने पटना के DM को फोन लगाया। उन्हें भी आंदोलनकारियों के साथ हुए वाक्य की पूरी जानकारी दी और कहा कि उन लोगों को धरना देने की इजाज़त दी जानी चाहिए, लेकिन पटना के DM ने सही से समझ नहीं पाया उनकी बात किससे हो रही है। तेजस्वी ने उनसे कहा कि वे धरना देने का आवेदन उनके व्हाट्सएप पर भिजवा रहे हैं, वे धरना की अनुमति दे। TM साहब रौब में बोले, अरे पहले भेजिए तब देखेंगे। सैकड़ों लोग के बीच लाउडस्पीकर ऑन पर मोबाइल पर ही बातचीत दौरान DM ने के तेवर देख तेजस्वी भी हैरान रह गए। DM के तेवर ने उन्हें जोर देकर बोलना पड़ा कि तेजस्वी यादव बोल रहा हूँ, तब जाकर पटना DM हड़बड़ाए। तेवर डाउन हुआ, फिर बोले, सर भेजिए, लिख देते हैं। तेजस्वी ने DGP से भी बात की, आंदोलनकारियों के साथ हुए पुलिसिया जुल्म पर नाराजगी जताई। उन्होंने DGP को भी कहा कि आंदोलनकारियों को धरना देने की इजाज़त दिलवाएं।